हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आजकल लोगों का जो होता है एक्सटर्नल ब्यूटी पे ही ध्यान होता है, वो इंटरनल ब्यूटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं लोग जो होते हैं। अगर आप किसी को देख के जज करते हो कि वो बाहर से कितना अट्रैक्टिव है, कितना ब्यूटीफुल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही ज़्यादा हाइजीन होगा। जी हाँ, अगर आप उसको पास से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, और आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ इंटरनल ब्यूटी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी ही प्राइवेट पर्सनल हाइजीन के बारे में बताने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर वन इज़ डेंटल हाइजीन। सो फर्स्ट अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ योर इज़ आपके बोलने के वे से। अगर आप किसी के सामने बोलते हैं और आपके माउथ से कोई ऑडोर या स्मेल आती है तो आपको बहुत ऑकवर्ड फील होता है। आप सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मेरे इस माउथ से इतनी स्मेल आ रही है। तो उसका मेन कारण होता है कि आपकी टंग जो है वो आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो। तो आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आप अपनी टंग को क्लीन करके अपने माउथ को विदाउट स्मेल वाला बना सकते हैं। सो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके टंग पे एक वाइट सी लेयर बन जाती है, दैट इज़ बैक्टीरिया बिल्टअप। ये बैक्टीरिया आपके टंग पे जमा हो जाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आप कोई माउथ फ्रेशनर या माउथ वॉश नहीं यूज़ करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए आपको 10 रुपीज़ का ये माउथ टंग क्लीनर यूज़ करना है। इससे आपको डेली बेसिस पे आपको क्लीन करना है। आफ्टर ब्रश आपको डेली बेसिस पे अपने टंग को इसे इस तरीके से क्लीन करना है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके माउथ की ओडोर तो चली ही जाएगी और आपका माउथ भी बहुत फ्रेश लगेगा, और आप जब भी किसी के सामने बात करेंगे तो उसे ऑकवर्ड फील नहीं होगा, ना ही आपको कोई गिल्ट फील होगा। आजकल क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रश के पीछे ऐसा बना के दे देते हैं। लोगों को लगता है कि ये टंग क्लीनर के लिए है और उसी से अपनी टंग क्लीन कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको एक टंग क्लीनर प्रॉपर ले लेना है। 10 रुपीज़ का ही तो है, आपको ले लेना है और उससे अपनी टंग को प्रॉपरली क्लीन करना है। सेकेंड थिंग इज़ आपकी टीथ वाइटनिंग। अगर आप किसी के सामने भी बात करते हैं, स्माइल करते हैं, अगर आपके टीथ येलो है तो आपको बहुत शर्म आती है स्माइल करने में। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपने टीथ को दिन में 2 बार क्लीन करें, एक मॉर्निंग में एंड नाइट में। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एंड जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खा के पानी से गार्गल करना है, जिससे आपका माउथ में ऑडर नहीं आएगी एंड आपके टीथ भी क्लीन रहेंगे। सेकेंड थिंग इज़ ईयर क्लीनिंग। ईयर क्लीनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने फेस को तो मिरर में देख सकते हो, लेकिन अपने ईयर्स को नहीं देख सकते हो, लेकिन बाकी लोग तो आपके ईयर्स देखते हैं ना। सो आपको अपने ईयर्स को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें वैक्स इकट्ठी होती जाती है जो बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है आपको। तो इसके लिए आपको एक ईयरबड ले लेना है और उससे प्रॉपरली अपने ईयर्स को अच्छे से क्लीन करना है। सेकेंड थिंग, आपके कान के पीछे जो मैल जमी होती है इसको भी आपको एक नैपकिन टाइप कपड़े को लेकर उसको हल्का सा गीला करके या नहाने के बाद एक टॉवल से अपने ईयर्स को पीछे से क्लीन करना है। डेली बेसिस पे आपको अपने ईयर्स को हमेशा क्लीन करना चाहिए, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। थर्ड थिंग इज़ योर ब्रेस्ट साइज़। बहुत सी गर्ल्स का मुझे DM आता है कि उनके ब्रेस्ट साइज़ को लेकर उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं आता है। वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि हम बाहर जाएंगे तो कैसे लगेंगे। सो गर्ल्स, डोंट ओवर थिंक, यू आर द बेस्ट द वे यू आर। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप जैसे हैं आप अच्छे हैं। अभी तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपको आगे जाके समझ में आएगा कि हम बेमतलब में ही इतना सोचते थे। हम इतने ब्यूटीफुल हैं, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपनी बॉडी को ऐसे कैरी करना है कि कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगे। सो अगर आप अपने ब्रेस्ट को टोन अप करना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पे उसे नहाने के बाद वहाँ उस एरिया को मसाज करना पड़ेगा। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, किसी भी ऑयल से आप उस ब्रेस्ट को मसाज करोगे, ब्रेस्ट के जो एरियाज़ हैं, तो आपके जो ब्रेस्ट है वो टोन अप हो जाएंगे और उनका शेप भी प्रॉपर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ आप वॉल के सहारे ऐसे पुशअप्स कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज़ आप अपने हैंड्स को इस तरीके से अप एंड डाउन करके अपने ब्रेस्ट की साइज़ को टोन्ड अप कर सकते हैं। सिक्स्थ थिंग इज़ आपने देखा होगा कि आपके जो ब्रेस्ट है उसके नीचे थोड़ी डार्क इन स्किन हो जाती है। वो क्यों होती है? बिकॉज आपको नाइट में कभी भी ब्रा पहन के नहीं सोना चाहिए। आपको उस एरिया को ओपन मीन्स आप लाइट सी टी शर्ट पहन के सो जाइए। आपको उस एरिया को ब्रीथ करने देना है अच्छे से। अगर ब्रीदिंग होगी तो ही आपके ब्रेस्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, उनमें किसी तरीके के भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई इन्फेक्शंस नहीं होंगे।
टिप नंबर 4 इज़ क्लीन योर अंडर आर्म्स। अब ऐसा नहीं कि आपको अंडर आर्म्स को घिस घिस के नहाते वक्त क्लीन करना है, आपको अपने अंडर आर्म्स को टाइम टू टाइम शेविंग करना है। बिकॉज अगर आपके अंडर आर्म्स में बहुत सारे हेयर्स आएंगे तो स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से आपका लुक जो है वो ऑकवर्ड तो लगेगा ही, वहाँ पर स्वेट दिखेगा आपके टॉप में, आपके कुर्ते के अंडर आर्म्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा और स्मेल भी आएगी और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो आपको डेली बेसिस पे किसी भी रेज़र की हेल्प से आपको अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करना है, ना कि किसी वी वॉश टाइप क्रीम से या आर्टिफिशियल क्रीम से। अगर आप किसी क्रीम्स का यूज़ करते हैं तो आपके अंडर आर्म्स जो है उनकी स्किन डार्कन हो जाएगी। आप चाहें तो वैक्सिंग भी करा सकते हैं या शेविंग भी कर सकते हैं। अगर आप वैक्सिंग कराएंगे तो वन मंथ तक आपका वो एरिया क्लीन रहेगा, लेकिन शेविंग से वो कुछ एक हफ्ते में ही आपके हेयर ग्रोथ फिर से हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वैक्सिंग करवानी है या शेविंग करनी है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ क्लीनिंग योर बैली बटन। आप जब भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अपने बैली बटन को क्लीन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज रिसर्च में पाया गया है कि 60% बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी के वो बैली बटन में ही होते हैं। जब भी आप नहाते हैं तो आप उस एरिया को साबुन से क्लीन कर देते हैं और आप सोचते हैं कि वो अपने आप क्लीन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको उसको प्रॉपरली एक ईयरबड की हेल्प से क्लीन करना है, या फिर आपको एक गीला कपड़ा लेके उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है और उसके ऊपर ऑयल लगाना है। आप कोई सा भी ऑयल अप्लाई कर सकते हो, कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल भी आप लगा सकते हो। एंड आपको उस एरिया को डेली बेसिस पे क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि आप वीक में एक बार करें और फ्री हो जाएं कि हम तो बस एक बार क्लीन कर रहे हैं और वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको डेली बेसिस पे क्लीन करना है। जैसे आप डेली नहाते हैं वैसे ही आपको बैली बटन को भी डेली बेसिस पे क्लीन करना है, जिस मेथड से मैंने बताया है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वियर कॉटन पैंटीज। आई नो बहुत सी गर्ल्स की फैंटेसी होती है कि वो स्टाइलिश लॉन्ड्री पहने, स्टाइलिश बिकनी पहने, साटन की या सिल्क की, बट अगर आपको वो पहननी भी है तो आप वीक में एक बार पहन सकते हैं। बिकॉज ये ब्रीदेबल नहीं होती हैं और इनके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, आपको इचिंग होती है एंड आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। यूटी इन्फेक्शन आपने सुना ही होगा। ये इसीलिए होता है कि बिकॉज आपकी पैंटी का मटेरियल आप सही चूज़ नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा मटेरियल चूज़ करना है जो ब्रीदेबल हो, एंड सबसे बेस्ट मटेरियल है आपकी पैंटीज़ के लिए कॉटन मटेरियल। प्योर कॉटन का मटेरियल आपको लेना है, सॉफ्ट मटेरियल, जिससे आपका वो एरिया जो है वो ब्रीदेबल रहे एंड आपको ज़्यादा स्वेट नहीं आए। ज़्यादा स्वेट आने से भी इन्फेक्शंस होते हैं एंड वहाँ पे अगर लगातार हवा लगती रहेगी, मतलब ब्रीदेबल रहेगा, तो आपको कोई भी टाइप के इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो आपको हमेशा अपनी पैंटी के लिए कंफर्टेबल मटेरियल ही चूज़ करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा कॉटन पैंटीज ही वेयर करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको हमेशा पैंटी का जो साइज़ है वो एक साइज़ बड़ा लेना चाहिए। अगर आप फिटिंग से पहनेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत फ्रिक्शन होगा, जिससे वो आपका एरिया डार्कन हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा एक साइज़ बड़ा पहनना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको पैंटी को वॉश करने के लिए डेटॉल, जो एंटीसेप्टिक होता है, उसका यूज़ करना चाहिए। आपको क्या करना है, डेटॉल में एक घंटे के लिए अपनी पैंटी को डुबा कर रखिए एंड देन उसको वॉश कर दीजिए। इससे वो एंटी बैक्टीरियल हो जाएगी और कोई भी बैक्टीरिया आपकी पैंटी में नहीं रहेंगे, वो एकदम क्लीन हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ बिकनी हेयर रिमूवल। वैसे तो आपके जो बिकनी हेयर होते हैं वो आपकी वेजाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपने बिकनी हेयर को रिमूव करना है या रखना है। मैं अपना सजेशन दूंगी कि आपको उसे एवरी 15 डेज रिमूव करना चाहिए, बिकॉज जब आपके पीरियड्स होते हैं या आपको स्वेट होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं और इचिंग हो सकती है और आपको बहुत अनकम्फर्टेबल लगेगा एंड बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने बिकनी हेयर को हमेशा रिमूव करना चाहिए। रिमूव करने के लिए आपको वी वॉश टाइप क्रीम्स नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको सिंपली एक रेज़र, एक सीजर की सहायता से उसे कट कर देना चाहिए एंड बाद में एक रेज़र लेके उसे एरिया को शेव कर देना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आपका सीजर एंड रेज़र जो है वो पर्सनल होना चाहिए और कोई भी उसे यूज़ नहीं करे, नहीं तो इससे भी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा वो बढ़ जाएगा एंड आपको इन्फेक्शंस होंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब भी आप शेव करते हैं उसके 2-3 दिन के तक आपको लूज क्लोथ पहनना चाहिए, नहीं तो उसमें फ्रिक्शन होगा और आपको इनग्रोन हेयर ग्रोथ होगी।
एंड द लास्ट थिंग इज़ क्लीनिंग योर वेजाइनल एरिया। आजकल बाज़ार में बहुत सारे सोप्स आते हैं वेजाइना क्लीन करने के लिए, क्रीम्स आती हैं, वॉशेस आते हैं, वी वॉश टाइप आते हैं, बट आपको इन सब का यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको ल्यूकोम वाटर से अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करना है। सो गाइस, आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और भी टिप्स जानने के लिए, प्राइवेट एरियाज़ को क्लीन करने के टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूल।